अलका के अध्यक्ष भाई विनोद अरोड़ा जी, पार्टी की महिला की प्रदेश की महासचिव श्रीमती सुनैना चौटाला जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए पार्टी के सीनियर साथी, पूर्व मेरे चेयरमैन स्टेट सिंह छावड़ा जी, श्री कृष्ण शेट्टी जी, नवाड़ी के शहरी प्रधान भाई संदीप भरत जी, मंच पे बैठे हुए पार्टी के जिला के ब्लॉक के प्रदेश स्तर के सभी नेतागण, इसके बाद मेरा परिचय। आज के कार्यकर्ता की मीटिंग में आए हुए दवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के सभी वरिष्ठ कर्मठ और मेहनत कार्यकर्ता साथियों, मेरे सिर पहले बहुत सारे साथियों ने आज के हालात में सारी चर्चाएं करी। मेरी मंशा थी कि मैं समय में आपके बीच में पहुंचूं, लेकिन मेरी मजबूरी रही क्योंकि मैं आज इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव में पार्टी के साथियों से मिलने गया था। कार्यक्रम तो मेरा 12 गांव का था। मैं ये मान के चलता था कि ज्यादा से ज्यादा 6 बजे तक समापन कर दूंगा, लेकिन एक एक गांव में जहाँ एक एक दो दो कार्यक्रम मैंने रखे थे, वहां मुझे 10-10 कार्यक्रम करने पड़े। मैंने आज स्वयं इस बात को महसूस किया कि अब लोग बदलाव चाहते हैं। अखबारों में, मीडिया में, टेलीविजन में क्या खबरें आई, किस किस्म का प्रचार और प्रसार सरकार ने अपने सरकारी खजाने को लुटा के लोगों के अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार किया। लेकिन जब गांव में गए, लोगों से मिले, तो हालात और किस्म के थे। आज आप लोगों की उपस्थिति को देख करके लगता है कि आपने भी अपने अपने गांव के अंदर लोगों का जब मन चंडोड़ा होगा, तो आपको भी एहसास हुआ होगा कि अब लोग भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता से, प्रदेश से बाहर देखना चाहते हैं। जब से मुख्यमंत्री रथ यात्रा करके गए, तब से लोगों में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। मुझे एक पत्रकार साथी ने पूछ लिया कि प्रदेश का मुख्यमंत्री लगातार एक महीने से हरियाणा प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के लगातार अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहा है, और बड़े हौसले के साथ मुख्यमंत्री कह रहा है कि अब की बार हम 73 पार करेंगे। मैंने उस साथी से कहा कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो कार्यक्रम बना रखा है, जिस यात्रा का नाम जन आशीर्वाद यात्रा रख रखा है, मैंने कहा मुझे हैरानी है इस बात को लगातार अखबारों में, टेलीविजन में देख करके, सोशल मीडिया पे उनको देख करके, कि नाम तो जन आशीर्वाद यात्रा रख, और बस में से कहीं नीचे नहीं होते। अगर किसी को आशीर्वाद लेना है तो फिर लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, बीच में जाकर के ही आशीर्वाद देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री तो आशीर्वाद भी बस की छत पे चढ़ करके मांगता है कि मुझे आशीर्वाद देना। किसी एक कार्यक्रम में लोगों के बीच में मंच पे नहीं गया, कहीं लोगों से मिला नहीं, कहीं लोगों की बात को सुना नहीं। पहले तो 4 साल 9 महीने तक हेलीकॉप्टर में घूमता रहा,
और अब एक महीने से लगातार बस में बैठ करके कहीं ये देखना चाहता है कि सड़कें हरियाणा प्रदेश की कैसी है, कैसी हालत है, क्योंकि हमने हमेशा विधानसभा में इस बात को लेकर के चर्चा करी कि आपकी सरकार बनने के बाद प्रदेश में हालात खराब हुए, जहां कानून व्यवस्था खराब हुई, जहां भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला, वही प्रदेश की सड़कों की हालत भी जर्जर हो गई। आपकी सरकार बनने के बाद हर वर्ग के लोग कहीं ना कहीं सरकार के प्रति आज अपना गुस्सा दिखाने के लिए आपके खिलाफ एजिटेशन कर रहे हैं। इस एक महीने में मुख्यमंत्री ने जन आशीर्वाद यात्रा करके हरियाणा के लोगों का मन टटोलने की कोशिश करी, वही भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया कि आने वाला कल जो है वो इंडियन नेशनल लोकल पार्टी का है, ना कि आज जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, उन सब राजनीतिक पार्टियों में इस बात को लेकर के लड़ाई है कि कौन मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस पार्टी के अंदर तो कई मुख्यमंत्री के उम्मीदवार, जहां कांग्रेस में कई मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है, वही भारतीय जनता पार्टी से लोग दुखी है, परेशान है, नाराज है। इसलिए नाराज है कि 5 वर्ष पहले जब ये लोग सत्ता में आए थे तो इन्होंने बड़े बड़े वायदे किए थे, ये कहते थे कि हमें सत्ता सौंप दो हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू कर देंगे, ये कहते थे कि अगर भाजपा सत्ता में आएगी तो 15-15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में जन धन योजना के तहत डलवा देंगे, ये कहते थे पढ़े लिखे नौजवान युवा बच्चों को कि हम तुम्हें 2 करोड़ बच्चों को रोजगार और नौकरी देने का काम करें। इन्होंने वायदे बड़े बड़े किए थे, वायदा पूरा नहीं किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी अपनी यात्रा के दौरान किसी एक स्पीच के अंदर ये नहीं कहा कि मैंने 5 वर्ष में क्या काम किया, ना मुख्यमंत्री ने ये कहा कि अगले 5 वर्ष में हम प्रदेश में क्या करना चाहते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने केवल 2 काम किए। इस भाजपा की सरकार बनने के बाद हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार की तरफ से 2 बड़े काम किए गए, देश के सत्र पे भी 2 बड़े काम देश के प्रधानमंत्री ने किया। एक काम किया था नोटबंदी लागू करने का और दूसरा काम किया था GST लगाने का। प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री ने पहला काम किया था कि हरियाणा प्रदेश के लोगों का जो आपसी भाईचारा है उस भाईचारे को कैसे तोड़ा जाए, उसके लिए सरकार बनने के बाद लगातार इन लोगों ने षड्यंत्र रचने का काम किया। और जब जाट आरक्षण आंदोलन चला तब इन्होंने मन बना लिया इस बात का कि अब मौका है इस आंदोलन के अंदर इस किस्म के हालात तुम पैदा कर लो जिससे इस प्रदेश में 35 और 36 जात के नारे लगाए जा सके, प्रदेश के लोगों का आपसी भाईचारा तोड़ा जा सके। और मुख्यमंत्री ने वही काम किया जब लोग आंदोलन कर रहे थे, एजिटेशन चला रहे थे, सरकार से मांग कर रहे थे, उनको क्या वायदा याद दिला रहे थे, तो उनके साथ बातचीत के जरिए उस बात का समाधान करने की बजाय उन्हें उकसाने का काम किया। जहां उनको उकसाने का काम किया वही इन लोगों ने कुछ ऐसे शरारती तत्व जो थे जो प्रदेश को नुकसान पहुंचाना चाहते थे उनको अपने घरों में मंत्रियों ने बुला करके पैसे लेकर के कहा कि जाओ प्रदेश के अंदर किसी भी जिले में जाकर के तुम आगजनी करो, लूटपाट करो, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा, जब तक प्रदेश की सरकार की तरफ से पुलिस को इशारा नहीं होगा तब तक तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं होगा। उस जाट आरक्षण आंदोलन की आड़ में इन्होंने 32 नौजवान बच्चों को मौत के घाट उतार दिया, उन 32 को मार के जब हालात प्रदेश में ऐसे हो गए कि सरकार को जाना पड़ेगा, प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू होगा, तो फिर
रातों रात बातचीत के जरिए उन लोगों को विश्वास में लेकर के उनके साथ वायदे करके उस आंदोलन को खत्म कराया। केवल उस आंदोलन को खत्म नहीं करवाया बल्कि 3536 जात के नाम के नारे लगा करके कई प्रदेश के लोगों के भाईचारे को तोड़ने की प्रयास करने की कोशिश की। केवल उससे शांति नहीं पड़ी, इस मुख्यमंत्री ने तो जो डेरा प्रेमी थे जिन लोगों की वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आप याद करो जो विधानसभा का चुनाव चल रहा था 5 वर्ष पहले, 2-3 दिन पहले तक इस किस्म की चर्चाएं थी कि अगली सरकार इंडियन नेशनल लोकल पार्टी की बनी। इन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को 3 दिन पहले जो आपकी पार्टी का प्रचार कर रहे थे, प्रसार कर रहे थे, उन्हें जबरन जो है दोबारा से फिर कोर्ट में सरेंडर करा करके जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। जब वो जेल चले गए तो इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के कार्यकर्ता को मायूस करने के लिए इस किस्म का उन्होंने हथकंडा अपनाया, और उसके बाद भी जब उनको ये लगा कि कार्यकर्ताओं में गुस्सा है और तुम जिस मकसद के लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को फिर से जेल की सलाखों के पीछे लेकर के गए हो, तुम अपने उस मकसद में कामयाब नहीं हो पाओगे, तो डेरा सच्चा सौदा के जो प्रमुख थे बाबा राम रहीम, उनके ऊपर सीबीआई से दबाव डलवा करके ये बयान दिलवाया कि डेरा प्रेमी जो है उसकी बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना वोट डालेगा। 2 दिन पहले इन पे दबाव बना करके इन लोगों ने उनका वोट किया, सरकार बनाई, सत्ता में तो आगे, जहां उन डेरा प्रेमियों का सरकार की तरफ से जाकर के धन्यवाद करना चाहिए था, जहां उनका आसान उतारने के लिए उनकी मदद होनी चाहिए थी, इन्होंने मदद करने की बजाय उन डेरा प्रेमियों को जो बाबा राम रहीम के खिलाफ कोर्ट की तरफ से फैसला आ रहा था तो उनको मेहमान बना करके डेरा प्रेमियों को पंचकुला में बुलाया गया। टेलीविजन के ऊपर खड़े होकर के रामविलास शर्मा जी ने ये कहा था कि डेरा के जो भी अनुयायी पंचकुला में आना चाहेंगे ना केवल हम उनका स्वागत करेंगे बल्कि उनका ठहरने का खाने का हर चीज का प्रबंध करके देंगे। लोग चले गए, लोगों ने मान लिया कि सरकार तुम्हारी कहीं मदद करेगी। जब बाबा राम रहीम को कोर्ट ने गिल्टी करार दे दिया तो उनके न्यायियों को संभावित था कि जब उनको ये पता लगा कि उनको सजा हो रही है तो उनको गुस्सा आया। लोग जब आगे बढ़ रहे थे तो उनको रोक करके बैठा करके समझा करके वापिस भेजने की बजाय उन्होंने उन डेरा प्रेमियों के ऊपर गोलियां चलाई, और गोलियां चला करके 48 डेरा प्रेमियों को मौत के घाट उतार दिया। एक काम तो ये किया इन्होंने कि हरियाणा प्रदेश में 600 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा और हरियाणा प्रदेश के भाईचारे को तोड़ने का प्रयास किया। और दूसरा जो काम किया इस प्रदेश, हमारा प्रदेश जो है कभी भी नशे की चपेट में नहीं था। हमारे यहाँ पे कहीं पे भी इस किस्म की कोई भी चर्चाएं हमने नहीं सुनी थी कि प्रदेश के अंदर नौजवान जात नशे की तरफ बढ़ रहा है। इन लोगों ने पंजाब के अंदर जैसे स्मैक का चिट्टे का जो प्रचलन था, आज पंजाब में तो कहीं वो रुक गया लेकिन हरियाणा प्रदेश के अंदर उसने अपने पैर फंसा लिए। पूरे प्रदेश के अंदर आज इस किस्म के हालात है कि कोई गांव कोई शहर कस्बा ऐसा नहीं बचा जिसके अंदर आपका चिट्टा और स्मैक की बिक्री ना हो। ये स्मैक और चिट्टा बेचने वाले कोई और लोग नहीं है, सरकार के साथ जिन लोगों का संबंध है वही लोग आज पुलिस के साथ मिलकर के हरियाणा प्रदेश की नई पीढ़ी को बर्बाद करना चाहते हैं। मैंने जो हमारा पिछला विधानसभा का सत्र था आप लोगों ने उसको देखा होगा,
मैंने उस सत्र के अंदर खुलकर के मुख्यमंत्री के सामने 47 मिनट तक इस नशे के कारोबार पे हरियाणा में नशे का जो बढ़ावा जो मिल रहा है इसको लेकर के चर्चा करी। ना केवल मैंने चर्चा करी बल्कि डिस्ट्रिक्ट वाइज उनको ये बताया था कि कहाँ कहाँ कौन कौन लोग सरकार के संरक्षण में बैठ करके इस नशे को बेचने का काम कर। जब मैं इसका प्रस्ताव लेकर के आया था तो आपको सुन के हैरानी होगी, सरकार में बैठे लोग ने इस बात का विरोध कर रहे थे कि मैं नशे को लेकर के किसी किस्म की चर्चा इस विधानसभा में ना करूं। मैंने उनसे पूछा कि इसका मतलब आप तो इस नशे को बढ़ावा देना चाहते हो, आप तो कैसे नशा बढ़े, कैसे हमारी नई जनरेशन आने वाली पीढ़ी जो बर्बाद हो, इसके लिए आप लोगों को चिंता करने के बजाय उन लोगों की चिंता होगी जो इस कारोबार में लगे हुए। तो मैंने उनके सामने खुल करके सारी बातें रखी तो मजबूर होकर के उनको चर्चा करानी पड़ी। अब जब मैंने चर्चा करी तो सरकार के पास उसका कोई जवाब नहीं था। आज दवाई के अंदर जो नशे का कारोबार करने वाले लोग हैं वो कोई और नहीं है, वो सरकार के संरक्षण में रहने वाले लोग हैं। मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र के आज 12 गाँव में जाकर के आया, कल भी मैं 12 गाँव में होकर के आया। मैंने वहां गांव के लोगों से खुल करके पूछा कि यहाँ नशे का कारोबार कौन करता है। लोगों ने निसंकोच मुझे ये बात बताई कि जो सत्ता के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनके जो करीदे हैं, उनके जो करीबी हैं, वो लोग हमारे गांव में आकर के नशे की सप्लाई का काम करते हैं। इससे ज्यादा बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है कि प्रदेश की सरकार ने जहाँ हमारा भाईचारा तोड़ने की कोशिश करी, वही आज हमारे युवाओं को बर्बाद करने की और अग्रसर है। इसलिए साथियों, आज हर गांव के अंदर हर व्यक्ति इस बात को लेकर के परेशान है कि इस नशे के कारोबार करने वाले लोगों को पकड़ा जाए, या इनको पकड़ा जाए वही नशा कहाँ से सप्लाई होता है, कौन लेकर के आता है, उन लोगों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो। आज तो व्यापारी भी परेशान है, आज कर्मचारी भी परेशान है, आज किसान दुखी है, आज किसान को उसकी फसल के दाम पूरे नहीं मिल रहे। सरकार कहती है कि हम किसान की मदद कर रहे हैं, मदद करने की बजाय लगातार किसान की जेब पे डाके डालने का काम हो रहा है। अब की बार जो सरसों खेतों में पक करके तैयार हुई थी तो सरसों की यील्ड पर एकड़ के हिसाब से 10 क्विंटल से ज्यादा थी। सरकार ने कहा था कि हम एक एक दाना सरसों का खरीदने का काम करेंगे। किसान जब मंडी में सरसों लेकर के गया तो 10 क्विंटल के बजाय 6 क्विंटल खरीदी सरकार ने, तो 4 क्विंटल बिकी थी। उस 4 क्विंटल को किसान को ये कह करके वो सरसों वहां से उठवा दी कि तू जाके मंडी में जहां मर्जी जिसको बेच ले, अब सरकार भी 6 क्विंटल से ज्यादा नहीं ले। तो 4 क्विंटल सरसों बच गई किसान के 10 क्विंटल में से। उसको जब मंडी में बेचने गया तो 1000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से किसान को कम मिला। किसान को कैसे कमजोर किया जाए इसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बना दी। 1000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से आपकी जेब से फसल बीमा योजना का नाम का निकाल दिया। अब एक नया कानून और बना दिया कि अब की बार किसान अपनी फसल जब बेचने जाएगा तो उसको ऑनलाइन अपनी फसल बेचनी पड़ेगी। ऑनलाइन फसल का मतलब ये नहीं है कि किसान की कोई मदद होगी, ऑनलाइन फसल जो बिकेगी उससे मान करके चलो सबसे बड़ा नुकसान किसान का होगा। सबसे पहले जब आप फसल बेचने जाओगे जो आपकी फसल की कीमत लगेगी, जो पैसा आएगा वो सीधा बैंक में जाएगा, और बैंक में जो पैसा जाएगा, सरकार तो ब्याज माफी की बात करती है, ये लोग अब की बार आपसे ब्याज के साथ पैसा वसूल करने का काम करेंगे। जब फसल बेच दोगे तो जो बैंक से पैसा आपने उठा रखा है उसको ब्याज के समेत पैसे को सरकार काटने का काम करेगी। जहां पहले आपका ब्याज लिया जाएगा वहीं आपसे रकम जो है उसको आपके बिजली के बिल है, आपके और दूसरे जो नोड्यूज हैं वो सारे के सारे क्लियर कराए जाएंगे। और फिर मान करके चलो किसान के पास पैसा बचेगा नहीं, फिर तो किसान को नए सिरे से और कर्ज बैंक से लेना पड़ेगा। किसान दोबारा ना अपने पैरों पर खड़ा हो
इसके लिए लगातार किसान को उजाड़ने के लिए इस तरह के फैसले लिए जाते। साथियों, आप जानते हो कि बदलाव आए, आज लोगों का मन है, लोग चाहते हैं कि सत्ता का परिवर्तन हो, लोग चाहते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में आए, तो फिर इसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। अब तो इलेक्शन का समय सर पे है, 4-5 दिन में किसी दिन इलेक्शन अनाउंस हो सकते हैं। किसी दिन जो है इलेक्शन की डेट डिक्लेयर हो जाएगी। अब लगातार जो 1-1.5 महीने का समय आपके पास है, उसमें लगातार लोगों के बीच में जाओ, खुल करके बताओ कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने चौधरी देवीलाल की नीतियों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए 5 घोषणाएं करने का काम किया। आप लोगों के बीच में जाकर के कहो कि अगर इंडियन नेशनल लोकल पार्टी को सत्ता में लेकर के आओगे, अगर सरकार बनाने का काम करोगे, तो फिर चाहे वो किसान है, चाहे वो कोई कमेरा है, चाहे कोई बैकवर्ड क्लास का है, चाहे कोई हरिजन है, और चाहे कोई छोटा दुकानदार है, चाहे किसी ने 10,000 का कर्जा ले रखा है, चाहे किसी ने 10 लाख का कर्जा ले रखा है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनने के बाद पहली कलम से किसान का कर्जा तृणमूल से समाप्त कर दिया गया। हम कर्जा माफ करेंगे, वहीं उसके साथ साथ सरकार ने नारा लगाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नारा बहुत अच्छा था, हर आदमी ये मान रहा था कि कहीं ना कहीं बेटियों को सुरक्षा मिलेगी, कहीं ना कहीं उस शिक्षा मिलेगी, लेकिन उस शिक्षा देने की बजाय, सुरक्षा देने की बजाय, आज अगर इस प्रदेश के अंदर सुबह सवेरे जब अखबार उठा करके देखते हो तो खबरें सुर्खियों में दिखती है आपको कि छोटी छोटी 5-5, 6-6 साल की बच्चियों को दरिंदे उठा करके ले जाते हैं, उनके साथ बलात्कार करते हैं, उनको मार करके झाड़ियों में फेंक देते हैं। पुलिस और प्रशासन खड़ा खड़ा देखता रहता है, बदमाश जो है भागने में कामयाब हो जाते हैं। आज तो कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को जब स्कूल और कॉलेज भेजता है, आज अगर शेरगढ़ गांव की बेटी भी डबाड़ी कॉलेज में पढ़ने के लिए आती है, जब तक वो वापिस घर नहीं पहुंच जाती सही हालात, तब तक माँ बाप को इस बात की चिंता सताती है कि पता नहीं मेरी बेटी किन हालात में मुझे मिलेगी। आज सबसे ज्यादा हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई असुरक्षित है तो हमारी बहन और बेटियां हैं। जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, वहीं सबसे ज्यादा हरियाणा प्रदेश के लोगों में भय पैदा करने का काम किया। हमारी सरकार बनने के बाद आप खुल करके कह सकते हो कि हम अपनी बेटियों को पढ़ाई के लिए जहां सुरक्षा प्रदान करेंगे, वहीं हम बेटियों को शिक्षित बनाएंगे, वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके इसके लिए उन्हें अच्छी एजुकेशन देंगे, और जब वो शादी के लायक होगी तो उसकी शादी में किसी किस्म की रुकावट ना हो। कल को उसकी शादी होने के बाद कोई उसको ये ना कह सके कि तू देश में क्या लेकर के आई है। इसके लिए हमने फैसला किया कि गरीब की बेटी की शादी में 5 लाख रुपए कन्यादान के रूप में देंगे। वहीं हम पढ़े लिखे नौजवान जो बच्चे हैं, उन बच्चों को हर घर से एक बच्चे को रोजगार और नौकरी प्रदान करेंगे। जो बच्चे रोजगार से नौकरी से वंचित रह जाएंगे, हम उनको 15,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देकर के उनका मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। चौधरी देवीलाल ने 100 रुपये माता पेंशन शुरू करी, आज पेंशन बढ़ करके 2,000 रुपये हो गई। आप अपनी सरकार बनवाओ, लोगों को जाकर के विश्वास जताओ उनके अंदर, लोगों के बीच में बैठ करके चर्चा करो, कहो कि अगर आपने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में जाने का काम किया तो फिर 2,000 रुपए वाली पेंशन जो है हर रोज 100 रुपया होकर के 3,000 रुपए महीने कर दी जाए। वहीं हम ट्यूबवेल की बिजली का बिल जो है वो समूचा माफ करेंगे और घर की बिजली का बिल जो है उसको आधा करने का काम करेंगे। हम जिस तरह से आंध्र प्रदेश के अंदर, जिस तरह से आज तेलंगाना प्रदेश के अंदर, जिस तरह से आज दिल्ली प्रदेश के अंदर सरकारों ने 200 यूनिट तक की बिजली जो है उसको मुफ्त करने का काम किया है, हम 200 के बजाय 250 यूनिट तक की बिजली को माफ करने का काम करेंगे। एक नया पैसा गरीब का 250 यूनिट तक नहीं देना पड़ेगा। जहां हम ये सारे काम करेंगे वहीं उसके साथ साथ
हरियाणा प्रदेश के फौजी जो सीमाओं पे जाते हैं, उनके देश की पहरेदारी करते हैं, जो अपनी जान निछावर करने का काम करते हैं, जिनके पीछे बसेरे नहीं है, जिनके पीछे उनके अपने घर नहीं है, जिनको इस बात को लेकर के वहाँ चिंता सताती है, हम उनको भी 200-200 गज के प्लाट दे करके उनके 2 करोड़ के मकान बनाने का काम करेंगे। ये सारी चीजें तब संभव होगी जब हमारा एक एक कार्यकर्ता जो है इस अगले 1.5 महीने के चुनाव के समय में पूरा समय निकाल करके लोगों का विश्वास जीतने का काम करेगा। और मैं पक्का इस बात से सहमत हूँ कि हमारा कार्यकर्ता जब इस काम में जी जान से जुट जाएगा तो केवल डबाड़ी विधानसभा क्षेत्र की सीट नहीं, फिर हरियाणा प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में आएगी। हम सत्ता की तरफ आगे आने वाले दिनों में पढ़ने का काम करेंगे। वहीं आपसे निवेदन करूंगा 25 तारीख को 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस है, हम उनके जन्म दिवस को सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं। और जब सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं तो लाखों लोग देश और प्रदेश के उसको आकर के अपनी सच्ची श्रद्धांजलि प्रदान करते हैं। अब की बार क्योंकि चुनाव का समय है, हमारी जिम्मेवारी ज्यादा बड़ी हो जाती है कि चुनाव के समय के अंदर उस रैली के अंदर चौधरी देवीलाल के सम्मान दिवस में लोगों की संख्या तादाद बढ़े ताकि पूरे प्रदेश में एक मैसेज आए कि बड़ा बदलाव प्रदेश में आ रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि दवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के हर गांव से 20-20, 30-30, 50-50 साथी जो है अपने साधनों के साथ कैदर पहुंच करके चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस के अंदर श्रद्धांजलि उनको अर्पित करने का काम करेंगे, सही पार्टी की ताकत बढ़ाने का काम करेंगे, संगठन को बड़ा करने का काम करेंगे। आप सब ने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।